हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ऑप्शन डी, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये आपको पता होगा, संज्ञा का परिभाषा ही है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 2, 8। देखिए, संज्ञा के जो है ना, वो पांच प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? ऑप्शन ए, जातिवाचक, समूहवाचक। ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी, गुणवाचक, परिमाणवाचक। और ऑप्शन डी, भाववाचक। देखिए, हमने अभी जस्ट पढ़ा ना कि संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। लेकिन परिमाणवाचक और गुणवाचक तो कहीं सुना ही नहीं हम लोग, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बकरी, सरिता, छात्र या किताब। देखिए, जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें ना, तो बकरी है, क्योंकि बहुत सारे बकरी हैं, छात्र भी बहुत सारे हैं, किताब भी बहुत सारे हैं। लेकिन सरिता किसी पर्सनल लड़की का नाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सो पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए, पहाड़ बहुत सारे हैं, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। रमेश तो किसी खास आदमी का नाम हो गया, हिमालय तो किसी खास पहाड़ का नाम हो गया, पटना तो किसी खास शहर का नाम हो गया। तो पहाड़ हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए, अच्छाई हमें दिखाई देती नहीं, इसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं हम लोग। बुराई भी हमें दिखाई नहीं देती, क्या करते हैं, महसूस करते हैं। हरियाली हमें दिखाई नहीं देती है, घास दिखाई देता है, हरियाली नहीं दिखाई देता, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन आप बताइए, मिट्टी को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? आपको पता होगा कि चार भुजाओं के समूह को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ए नंबर तो होगा नहीं, सेना, बहुत सारे सेनाओं का समूह होता है इसमें, एक अकेला सेना, एक को सेना नहीं बोलते, इसको इंग्लिश में आर्मी बोलते हैं। ठीक ना, तो एक आदमी को हम आर्मी या सेना नहीं बोल सकते। दूसरा, संघ, बहुत सारे लोग मिल के संघ बनाते, कमिटी बनाते। और राम जो है ना हमारे यहाँ पे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सोना हमारा द्रव्यवाचक है, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते। चांदी द्रव्यवाचक है, इसे हम गिन नहीं सकते। पानी द्रव्यवाचक है, इसे हम गिन नहीं सकते। लेकिन गुच्छा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, कुर्सी शब्द संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। आपको भी पता है, कुर्सी तो बहुत सारे प्रकार की होती है, तो ये हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। कुर्सी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। आगे जाते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। देखिए, पुस्तक भी तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो देखिए, संसार ना एक ही है, तो जो दुनिया में एक ही हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ताजमहल दुनिया में एक ही है, लाल किला दुनिया में एक ही है, गोलघर पटना में एक ही है ना, मतलब पूरे दुनिया में बात किया जाए तो जो दुनिया में एक ही उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला देखेंगे हम लोग,
रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? तो आपको पता होगा रक्षाबंधन किसी विशेष त्यौहार का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक होगा। कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। दीपावली कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए दिवाली जो है ना किसी खास त्यौहार का नाम हो गया, तो ये कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर जो है ना संज्ञा के पांच भेद होते हैं। कितने होते हैं? पांच होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? ये तो आपको भी पता होगा दूध को हम लोग गिन नहीं सकते, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। मित्रता कौन सी संज्ञा है? देखिए मैं भी ट्रिक देता हूँ आपको, जिसमें ता लगा हो ना, ता, क्या ता लगा हो, वह हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। कौन सा? भाववाचक। क्योंकि मित्र को हम देख सकते हैं, मित्रता को नहीं देख सकते, दुश्मन को देख सकते हैं, दुश्मनी को नहीं देख सकते, समझे? तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा मित्रता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। आगे बढ़ते हैं, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक? ये आपको भी पता होगा सभा मतलब एक से अधिक लोग वहाँ होंगे, वहाँ मीटिंग जब भी होगी, सभा को इंग्लिश में बोलते हैं मीटिंग, तो मीटिंग जब भी होगी तो अकेला आदमी थोड़ी मीटिंग करेगा भाई, है ना? तो वह कौन सा होगा? समूहवाचक होगा। क्या होगा? समूहवाचक। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपने से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है? कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए बताना है आपको कमेंट में, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? देखिए फरवरी किसी खास महीना का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, घोड़ा शब्द कौन सी संज्ञा है? अरे भाई घोड़ा, घोड़ा बहुत सारे हैं, तो ये क्या होगा हमारा? जातिवाचक होगा। क्या होगा? जातिवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए गिरोह, गिरोह माने होता है गैंग, गिरोह माने इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गैंग बोलते हैं। तो कभी गैंग अकेला बनता है क्या? नहीं बनता, तो ये कौन सी होगी? समूहवाचक, ध्यान रखिएगा। गिरोह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो गैंग कभी अकेले नहीं बनता, बोलो ना गैंग ला के आया है मारने के लिए, तो भाई गैंग लेके जब भी आएगा कोई आपको मारने के लिए तो अकेले नहीं आएगा, वो समूह में आएगा, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, दल शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए दल, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टीम, क्या बोलते हैं? टीम। तो बताइए आप टीम में कोई इंसान अकेला रहता है क्या? नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं? मेरा टीम है। तो भाई ये भी कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक। कौन सा संज्ञा? समूहवाचक होगा, ठीक है ना? सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखते जाइए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट आने होने की चांस रहेगी। अगला है, हिंद महासागर शब्द कौन सी संज्ञा है? हिंद महासागर, देखिए ये है ना किसी खास महासागर का नाम, आपको पता होगा महासागर पांच होते हैं, तो इसमें से एक महासागर नाम क्या है? हिंद महासागर, जिसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? केवल महासागर होता है ना तो जातिवाचक, क्योंकि महासागर तो बहुत है, लेकिन उन्होंने नाम ले लिया कौन सा महासागर? हिंद महासागर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है, तो इन्होंने एक नदी का नाम ले लिया, तो जब नाम लिया तो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नदी रहता तो जातिवाचक, लेकिन उन्होंने क्या बोला? ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है, तो ये खास नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अक्टूबर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ये तो आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर जो है किसी खास महीने का नाम है, तो ये हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी शब्द कौन सी संज्ञा है? ज्वालामुखी बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो ये जो है ना ज्वालामुखी, जब तीन प्रकार के भाई, तो कौन से ज्वालामुखी होते पता बताया नहीं है, सक्रिय है कि संतृप्त है कि मृत है, ये तो पता ही नहीं है। तो ज्वालामुखी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? मनुष्य, अरे भाई मनुष्य तो बहुत होते हैं, पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जातिवाचक। कौन, क्या बोलेंगे? जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं, सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा? अच्छा बताओ, अभी सर्दी चल रही है ना, आपको पता है सर्दी को आप देख रहे हो क्या? नहीं ना भाई, क्या कर रहे हो? फील कर रहे हो, तो ये हमारा होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गंगा कौन सी संज्ञा है? अभी मैंने जस्ट बोला ना ये किसी खास नदी का नाम है, तो ये क्या होगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, शाबाश, बिल्कुल ना, शाबाश भाई शाबाश, बहुत अच्छा काम तुमने किया। तो ये आपकी क्या है? फीलिंग है ना,
फीलिंग है। तो जब भी फीलिंग की बात आ जाए, भावना की बात आ जाए, वो कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 5। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं, भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है? भारतीय, देखिए जो जिस देश का रहता है ना, जैसे नेपाल तो नेपाली हो जाएगा, अमेरिका अमेरिकन होगा, तो ये तो भाई भारत किसी खास देश का नाम हो गया, और भारत के रहने वाले क्या हो जाएंगे? भारतीय। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखिए, पहाड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? देखिए पहाड़ तो बहुत सारे हैं, पर कौन से पहाड़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि किसी खास पहाड़ का नाम का बोध नहीं हो रहा है। आगे, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? देखिए कोसी जो है ना भाई, ये किसी खास नदी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? रामायण किसी खास ग्रंथ का नाम है, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा शब्द है नीज, आलसी, वीरता, पढ़ना। मैंने अभी जस्ट बोला ना कि जिसमें ता लगा होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा, फिर ये संज्ञा तो है ना, ठीक ना, ये संज्ञा तो है। आगे बढ़ते हैं, और 36 नंबर है, पानी है, पानी कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? ये तो आपको भी पता है कि पानी को हम गिन नहीं सकते, ये कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक होगी। और यहाँ तक हम देखें तो यहाँ तक जो है हमारा नॉन से पूछे गए सभी क्वेश्चन यहीं तक थे, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पढ़ाई अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर प्लीज़। और यदि वीडियो को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।